नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे चैनल पर। मित्रों, हम आज आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं शायद जो आपने अभी तक सुना ना हो और आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। जी हाँ मित्रों, वैसे तो हम लोग दिन भर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, लेकिन पेट भरना अलग बात है, लेकिन हर बाइट में हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभप्रद है इसका ख्याल बहुत कम लोग कर पाते हैं, जिससे बहुत कम लोगों को आजकल आपने देखा होगा कि वो स्वस्थ होंगे और सुंदर फिट दिखते होंगे, इसका ख्याल नहीं रखते। लोग भूसे की तरह कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, लेकिन वो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। और मित्रों, हम प्राकृतिक चीज़ का नाम आपको बताएंगे जिसका नाम है कमल गट्टा। जी हाँ, कमल का फल होता है और ये कमल का फल मूँगफली की तरह थोड़ा थोड़ा लंबा होता है, उसके बीच का जो अंदर का होता है वो खाया जाता है। बहुत टेस्टी होता है खाने में, बहुत स्वाद इसका अच्छा होता है। आप एक बार खाएंगे तो आप सोचेंगे कि हम बार बार खाएं। और मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। ऊपर से भले ही थोड़ा चिकना अच्छा दिख भी जाए, लेकिन कुछ समय में कितने दिन हम ऊपर से इसको अच्छा बनाएंगे। इसलिए हमें अपने प्राकृतिक तत्वों से इसको सिंचित करते रहना है, खूबसूरत बनाना है अंदर से और बाहर से, दोनों जगह से। और अंदर होगा अगर हमारा शरीर स्वस्थ, तो बाहर अपने आप होगा। तो मित्रों, ये डायबिटीज़ के लिए और जिनकी दिमागी क्षमता कम है और प्रजनन क्षमता कम है, किडनी, पाचन तंत्र और डायबिटीज़ और बहुत सारी बीमारियां जो अन्य सब्जियों में नहीं पाई जाती हैं वो कमल गट्टे में पाई जाती हैं। कमल गट्टे का बीज बहुत सुंदर दिखने में होता है, आप एक बार देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। वैसे भगवान शिव को कमल का पुष्प तो बहुत प्रिय है और इसकी माला से अगर जप किया जाए तो कहते हैं लक्ष्मी का धनागम जो है बहुत शीघ्र होता है। तो ये तो आध्यात्मिक और हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए सब प्रकार से उपयोगी है। इसलिए आपको अगर मिले तो ये ज़रूर इसका उपयोग करें, खाएं। और आप कभी भी शाम सुबह में खा सकते हैं, ये बहुत फ़ायदा करेगा हर तरह से। तो मित्रों, ऐसी और रोचक जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।